मेरी है, मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का, जो ऐसे एक साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। तो भाई मेरा नाम अजमतुल्लाह है। मैं आज जो सो CP साइबराबाद स्टीफन रविंद्र साहब के CP कन भी कंप्लेन दिया और DCP साहब कन भी जाकर कंप्लेन दिया और अब मैं मलाडेपल्ली CA साहब के नाया से हूँ। एक शख्स है, उसका नाम है उमरुल हक, पेशे से वो एडवोकेट है, वो उसके नाम पे धब्बा है। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी है, मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का, जो ऐसे एक साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। उससे मार्च में मिला मैं, जो ऐसो मेरी बीवी की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज करता हूँ बोल के। मेरे बीवी के साथ जो ऐसे गलत गलत रेपिंग के रेप करा, समझिए ना, गलत गलत हरकत करा। कई होटलों को गया उन्हें मेरे ये बीवी के साथ, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे लेके और मेरा पूरा पैसा खा लिया उन्हें। और कई बॉन्ड पेपरों पे मेरे से 2600 रुपये के बॉन्ड पेपरों पे जो है सो ब्लैंक थंब इम्प्रेशन लेके और जो है सो सिग्नेचर कराया, मेरे चेकबुक ले लिया, मेरे पासपोर्ट आए, मेरे बच्चे के पासपोर्ट, मेरे बीवी का पासपोर्ट, मेरे जो है सो 50 लाख रुपये खा लिया और जो है सो मेरे क्रेडिट कार्ड पूरे स्वाइप कर लिया उन्हें। उसकी होटल थी रॉयल फूड कोर्ट बोल के चंद्रांगुटे पे, मेरे कन पूरा एविडेंस के साथ ही है और मेरे को इंसाफ था हुकूमत से और मेरे बच्चे को, मेरे को जान को देता है। और ओलंपिया होटल इन बोल के आरामगढ़ पे है, जो ऐसे उन्हें हम लोग किडनैप करके रखा था, किडनैप बोलते जाने देता आता था लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, कहीं को बोलते जान के धोखा था, हमेशा मारे तुम बोलता था। और वीडियो कॉल में गन दिखाया मेरे बच्चे को, मेरे को मेरे बच्चे से भी आप स्टेटमेंट देख सकते, बहुत तकलीफन में, बहुत परेशान, मेरी जान को धोखा है। मेरे भाई, मेरे वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे भौनियों को हमेशा बोलता इन्हें पहचानता, उन्हें पहचानता बोल के, और एक स्माइल मर्डर बोल कभी भी उसकी धमकी देता उन्हें। और आप मिले कैसा उससे और ये उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसी दबाव में क्यों आए? उसके भौनी, मैं एक मेरे बी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे 2016 को आए थे, ऐसे दो साल के बाद जो सब मेरी बीवी की दिमाग हालत ठीक नहीं थी तो मैं मुर्शिदकन गया था बेगमपेट पे, तो उनकन से जो है उनके भौनी साहब मिले थे मोइन बोल के, मोइन बोल से इनसे उमर उल हक से मिलाए थे मेरे को, तो उनसे मिले तो तकरे तो ना बोले कि ऐसा मैं इलाज भी करता हूँ भाई, मैं हाफिज़ हूँ बोल के करे समझो ना। अभी आपके वाइफ आपके साथ है? नहीं, मेरे वाइफ साथ नहीं है, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे रख के मेरे वाइफ से खुला दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था और वो भी 12 बजे खादिया को होटल पे बुला के ज़बरदस्ती 15,000 रुपये देकर खुला के नाम पे साइन कराया और सर्टिफिकेट भी उसके नीचे पूरे खुला नाम। मेरे को एक बेटा है और हर चीज़ लिखा लिया, मेरे से नाम मार दिया, अगर मैं नाम मार तो बेटा कैसे पैदा हुआ भैया? अब मेरे बेटे से पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का पूरा हाल, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, उसको पूरा मालूम। बोलो बेटा, साथ में आपको हमेशा हमेशा ऑस्ट्रेलिया में उम्र लोग आपके साथ थे? नहीं नहीं थे ना, यहीं मुलाकात इनसे, मुलाकात कहाँ करे? यहाँ उसके ऑफिस पे मोइन भाई लाके मिलाए, वादिया फरान में रहता उन्हें बल्लागुड़ा, लेकिन अभी तो सुना है कि वो वहाँ नहीं रहते। अभी खाली करके गए, मैं ये मतलब में ले गया उन्हें होटल के नामा के साथ, मैं एविडेंस के साथ भी है, पार्क हयात गच्ची बोली पे भी ले गया बीवी को और जो सो शेरिटन होटल है गच्ची बोली पे वहाँ ले गया और मुर्गन सागर रोड अपना नेशनल डियर पार्क वहाँ ले गया। हाँ, मेरे को बाहर खड़ा कर रहता था डरा के, इला दोनों रूम में जाते थे क्या क्या कि बाथटब में पैरा रख के दुआ पढ़ के क्या कि सुनाता था, उन्हें बेहोश आते थे वो समझिए। और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था मेरे 35 लाख रुपये, जो सो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के आता था, घर पर भी आके वही काम करता था, रूम में मेरे को मेरे बच्चे को हाल में भेज सकते, उसको भी पूछ सकते आप। एक बात ऐसा मेरे को झूठ बोले, कल ना परसों में और पैसे लाए थे उन्हों बिल्डर अंकल कम से और बोले कि हमारे तुम्हारे बाप के पैसे है, देखो मैं इन्वेस्टमेंट करा था ज़बरदस्ती। कितने पैसे खाए अब तक मेरे? 50 लाख रुपये खा लिया। 50 से 60 लाख। 50 से 60। आप बोल रहे हैं अभी होटल में आपके जो एक्स अहलिया थे उन होटल में साथ में रूम में जाते थे, तो ये काम दोनों की रजामंदी से होता था या प्रेशर में होता था? मेरे को तो दबा के उनको भी प्रेशर करता था कि तेरे शोहर को मारे तू, मैं तेरे बेटे को मारते चल बोल के जबरदस्ती लाता था। किसके साथ है? उसके साथ ही थे। जैसा कि आप बोल रहे हैं प्रेशर में नहीं थे, प्रेशर में रह के दबाव डाल के काम कर रहे थे, दबाव डाल के काम कर रहे, उसके बाद में दबाव डाल के शादी तो नहीं कर सकते? नहीं, उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है उनकी तरह, वाइफ की। हाँ, उनको कहाँ पर किसी जगह पर कंप्लेंट दी है आप? मैं देखिए CP साहब का दिया, स्टीफन रविंद्र साहब का ने और दो से DCP जगदीप सर अपना शमशाबाद, अब मैं CA साहब का ने खास DCP से आप साहब जो है सिप साहब जो है फ़ोन करके बोले अपने CA साहब अभी हमारे पल्ली PS कहा था। मैं जो 35 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा था बोल के, उसमें से जो है रमज़ान में ज़बरदस्ती मेरे को करके जो है मेरे दोस्त कन बिल्डर कन ले आके 20 लाख रुपये लिया, 15 लाख कैश लिया
और 5 लाख रुपए का चेक विड्रा करा, फिर परसों जाके फिर 5 लाख लिया जून में ये जुलाई में, और 2 लाख 27 लाख रुपये उनकन से ले लिया। अब मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड स्वैप करा, पूरा एविडेंस है मेरे उसकी फोटो थी, पूरे मेरे अब तक 10 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड थे पूरे स्वैप कराने, और पूरा बीवी का सोना रैन में है, वो पूरे ए टू जेड एविडेंस है मेरे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कहाँ के? मैं मुकामी हैदराबाद का। उनका चैनल वगैरह भी था क्या? हाँ उनका नाम, उनका चैनल भी था यूनिवर्सल न्यूज़ बोल के। वो चैनल बनो के 6 महीने और शायद उन्होंने एडवोकेट के नाम पे धब्बा है साहब, पूरे एडवोकेट के नाम भी खराब होता उन्होंने बोलते, लेकिन अब क्या मुतालबा करना है हुकूमत से? ये चाह रहा हूँ कि मेरी जान को धोखा है, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे वालदा और मेरे बच्चे मेकू। मैलरदेपल्ली में किस एरिया में रहते थे? अब मैलरदेपल्ली में अकबर कॉलोनी का मोटापल्ली, मोटापल्ली, मोटापल्ली। पूरा भरोसा की पुलिस मेरा साथ देंगे, एक बोलते पूरे एविडेंस में सच्चाई पर लड़ रहा हूँ, बुनियाद सच का साथ देंगे, अल्लाह ताला मेरे को इसमें सच की जीत देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर नगर में रहता है नहीं, राजेंद्र नगर में एक मकान है, उसके पहली बीवी, उसके वालदा ने रखे, उसको 3 बच्चे ऑलरेडी शादीशुदा है। आपकी भाई से शादी कर लिया? शादी कर लिया बोल रहा हूँ मेरे, लेकिन पता नहीं वो उन्हें कराने करा, लेकिन होटल में 2 महीने रखे तकरीबन। कैसा क्यों रखे आपको? वही मेरे को दवाई में रखा कि मार देता हूँ तेरे भाई को, ते को मार दू, तेरे बच्चे को मार दू, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पासपोर्ट चेकबुक आपके साथ में थी जब होटल में रखे खुद में? हाँ सामने ही, दोनों के सामने ही जो सेक्स करता था ना, मेरा बच्चा भी सगा हुआ है एक ही रूम में, 4 जने सोते थे हम लोग, दोनों बेड पे उन्हें सोते थे, एक बेड पे हम सोते थे, मेरे बच्चे के सामने गंदा काम करा ना, पूछ सकते हैं उससे। तो आप खामोश क्यों बैठे थे? मैं नहीं, मैं खामोश इसलिए बैठा कि उन्होंने कई बार मेरे को मारा, मारने का कई जगह से सुनसान जगह पे लेगा मारते हूँ बोल के, गल्ला पे बालापुर जगह ले गया, शमशानबाद की जगह, अपने गंडी पेट की जगह ले गया उन्हें, और जो मेरे भाई वालदा को सबको मार देता हूँ बोला, भोनिया को अगर तू बोला तो कोई पूरे पहलवाना के जाने, पहलवाना का नामा लेता उन्हें, मैं नामा लिया तो जो बोलो बेटा पूरा मेरे बेटा। नाम मुजहरुल्ला है और मैं रहता हूँ मोई फंक्शन हॉल का अकबर कॉलोनी मैलादेपल्लीगन, और यहाँ पर हमारे आपके पापा को किडनैप करके ले गए? नहीं नहीं नहीं, लेके गए झूठे कंप्लेन है, और मैं मेरे मर्जी से गया, और मेरे पापा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी किडनैप नहीं कर सकता, ये गलत इंतजाम है बेटा। आपके पापा किसी के दबाव में आके आपको डराए करे क्या? नहीं नहीं, अब तक कुछ भी नहीं करे, मारे भी नहीं। तो कौन डरा रहे थे आपको फिर? मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने डरा रहे थे, और बात मैं कभी शरारत करता था तो मेरी कमजोरी इन्होंने थे, इसको मार दे तुम जान से, वो ये बोल के ऐसा बोलते थे। आप लोग को जब होटल में थे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ में एक ही रूम में थे? हाँ थे। क्या होता था वहाँ? उमर उल हक और हमारे मम्मी गंदा काम करते थे, और जो है सो हमारे पापा को जो है सो धमकिया देता था चाकू लगा के, और एक बार तो फ़ोन पे बोला किसको कि वो 10 लाख रुपए देता हूँ हमारे दादी, मेरे दादी और दादा और हमारे तायबा का मर्डर करा दो बोल के, ऐसे बोले उन्होंने इंजाम ऐसा बोल के।